हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेखा। कुकिंग विद रेखा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मियों की एक शानदार रेसिपी जिसका नाम है बादाम शेक, जो कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। तो आइए चलते हैं बादाम शेक बनाने की तरफ। बादाम शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले लिया है आधा लीटर दूध। एक बाउल में मैंने थोड़ा सा दूध अलग निकाल कर रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने ली है लगभग 10 से 12 बादाम, जिसे कि मैंने रात भर भिगो कर रखा हुआ था। अब सबसे पहले हम इन सारे बादाम के छिलके उतार लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने सारे बादाम के छिलके उतार लिए हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालेंगे और इसे मिक्सर के अंदर डालकर दरदरा पीस लेंगे। हमें इसे बारीक नहीं पीसना है, हमें इसे दरदरा ही रखना है। देखिए दोस्तों, मैंने बादाम को इस तरह से दरदरा पीस लिया है। अब हम इस दूध के अंदर एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। ये देखिए, कस्टर्ड पाउडर मैंने वनीला फ्लेवर लिया है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। ध्यान रखिए, हमें कस्टर्ड पाउडर ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा डालने से हमारा बादाम शेक जो है उसका टेस्ट बिगड़ सकता है। हमें सिर्फ एक चम्मच ही कस्टर्ड पाउडर डालना है और इसे दूध में बहुत अच्छे से घोलना है। ध्यान रहे, इसमें किसी भी तरह का कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए, इसे बहुत अच्छे से घोलना है। और ये दूध मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है। देखिए दोस्तों, अब मैंने दूध को बॉईल होने के लिए रख दिया है। हमें इसे मीडियम फ्लेम पर कम से कम 10 मिनट तक पकाना है और हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये नीचे चिपके ना। देखिए दोस्तों, हमारे दूध को बॉईल होते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और अब इसमें लम्स भी पड़ने लगे हैं। अब इस स्टेज पर हम इसमें शुगर डालेंगे। इसमें हम 4 स्पून शुगर डालेंगे। मैंने इसमें 4 टेबल स्पून शुगर डाल दी है। अब हम इसमें 7 से 8 केसर के तार भी डाल देंगे और अब हम इसे अच्छे से हिला लेंगे और लगभग 5 मिनट के लिए वापस बॉईल होने देंगे। देखिए दोस्तों, हमारे दूध को बॉईल होते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। अभी थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर ये दरदरी पीसी हुई बादाम डाल देंगे और इसे भी लगभग 5 मिनट के लिए वापस बॉईल होने देंगे। देखिए, हमारे दूध को पकते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं बादाम डालने के बाद। अब हम सबसे लास्ट में इसमें ये कस्टर्ड पाउडर डालेंगे, जिससे कि हमें बहुत अच्छे से घोल के रख रखा था। अब इसे भी हम लगभग 5 मिनट के लिए वापस पकने देंगे। बादाम शेक बनने में लगभग 25 से 30 मिनट का टाइम लगता है और हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसे लो फ्लेम पर ही पकाना होता है। देखिए दोस्तों, हमारे बादाम शेक की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि फ्रीज में रखने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ापन ले लेगा। अब मैं इसमें गार्निशिंग के लिए डाल दूंगी थोड़े से बादाम, थोड़े से पिस्ता और थोड़े से काजू। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिर्फ इसे पिस्ता और बादाम से डेकोरेट कर सकते हैं। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे बादाम शेक का कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसे लगभग 15 से 20 मिनट के लिए बाहर ही ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसे फ्रीज में रखेंगे और फ्रीज में रखने के आधे घंटे बाद हम इसे सर्व करेंगे। हमारा बादाम शेक सर्व करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। आपको मेरी ये बादाम शेक की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू।